देखिए रवि, दर्शकों को एक बात बताने की जरूरत है कि 45 वर्ष की उम्र से ऊपर, आयु से ऊपर और जितने हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इन लोगों को वैक्सीन सप्लाई करने की जिम्मेदारी सेंटर ने ली, यानी केंद्र सरकार ने ली। केंद्र सरकार ने कहा कि 34.5 करोड़ वैक्सीन जो हैं हम राज्य सरकारों को और यूनियन टेरिटरीज को हम सप्लाई करेंगे, और ये केंद्र के खर्चे पर होगा, राज्य सरकारों को इसका खर्चा उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 60 करोड़ की जो जनता है 18 से 44 की उम्र के बीच में, राज्य सरकारों ने दबाव बनाया कि आप वैक्सीनेशन इनके लिए खोल दीजिए, राज्य सरकारों ने कहा कि आप इनको वैक्सीन लगवाने दीजिए, राज्य सरकारों ने कहा कि 45 वर्ष की उम्र से ऊपर जितने लोग जब नहीं आते हैं, वैक्सीन की डोज बच जाती है, हमें 18 से 44 को लगाने दीजिए, राज्य सरकारों ने कहा कि हम तैयार हैं, हम खुद वैक्सीन सोर्स कर लेंगे लेकिन हमें इजाजत दीजिए। ये सब राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के दौरान कहा। आज यही राज्य सरकारें ये घूमकर कह रही हैं कि हम वैक्सीन नहीं प्रोक्योर कर सकते, हम नहीं ले सकते, आप ला कर दीजिए। तो ये तो चित तुम जीते पट में हरा, ऐसी वाली बात हो गई, यही बात की जा रही है मनोज। और अब अभी आपने छत्तीसगढ़ की बात की, जरा जल्दी से सुन लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने क्या कहा। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन 61,99,637 हो चुका था 25 तारीख को, और 10,31,230 डोज हमारे पास बाकी हैं। इन्हीं आंकड़ों के हिसाब से हमारे पास स्टेज के नाम पे जो आंकड़ा बचता है वो 59,343, ये कुल बनता है 0.95%। ये आंकड़े केंद्र सरकार के ही हैं। वहीं सरोज पांडे, राज्यसभा सांसद हैं छत्तीसगढ़ से बीजेपी की, उनका आरोप यह है कि जानबूझ के वैक्सीनेशन की रेट को, वैक्सीनेशन की दर को कम किया गया, स्लो डाउन किया गया, जिसकी वजह से वैक्सीन की बर्बादी हुई है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने वैक्सीनेशन को धीमा किया और यहाँ के बहुत से वैक्सीन को उन्होंने बर्बाद किया। आज हमारी केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने जो समीक्षा की, मेरी आप सबसे अपील है कि हम लोग जनता को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जरूर प्रेरित करें। मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना, अगर कहीं कोई शिकायत है, बुखार है, सर्दी जुकाम है, खांसी है, निगरानी समितियां जा रही हैं, मोहल्ला समितियां जा रही हैं, उनसे संपर्क कर रही हैं, तो बीमारी को छुपाना है, मेडिसिन किट ले लें, अपना टेस्ट जरूर करवा लें। टेस्ट कराने से कोई भागे ना, और इसमें आप लोग बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। दूसरा, वैक्सीन के बारे में किसी भी प्रकार की कोई गलत फहमी और कोई भ्रामक प्रचार किसी को नहीं करने देना चाहिए। ये वैक्सीन सुरक्षा कवच प्रदान करता है हर व्यक्ति को, इसलिए वैक्सीन हर व्यक्ति जरूर लगाए। इसके बारे में फ्री में ये वैक्सीन है, और ये फ्री में दी जाने वाली इस वैक्सीन को हर व्यक्ति लगा सके, इसके लिए हमें हर व्यक्ति को जागरूक करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर मुझे आप सबसे यही अपील करनी थी, सिद्धार्थनगर जनपद ने यहाँ के जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में, स्वास्थ्य मंत्री जी का स्वयं का गृह जनपद है, और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करते हुए बेहतर परिणाम दिया है। पॉजिटिविटी रेट को नीचे करने और रिकवरी रेट को बढ़ाने में इन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए मैंने यहाँ के गांव में भी, और एक CHC का भी मैंने स्वयं भ्रमण किया, वैक्सीनेशन सेंटर का भी मैंने निरीक्षण किया। हर एक प्रकार से हम लोग बीमारी, चाहे वह कोरोना हो या किसी प्रकार की, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इस पर सरकार, केंद्र और प्रदेश सरकार का पूरा फोकस है, और उसी दिशा में प्रयास प्रारंभ हो रहा है। धन्यवाद जी। तो योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका फिर यही आग्रह है, लोगों से अपील है कि जाएं वैक्सीन लगवाएं और किसी तरह की गलत दुष्प्रचार पर से बचें। और उन्होंने भी यही कहा कि ये वैक्सीन जो है ये संजीवनी है।
अभी मैं जरा हमने टीएस सिंहदेव की बात की, राज्य सरकारों की बात की, और मेरे साथ मनोज शर्मा अभी भी मौजूद हैं। मनोज, देखिए मेरे पास ना रिसर्च टीम के कुछ आंकड़े हैं, और इन आंकड़ों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जानबूझकर वैक्सीन की किल्लत और वैक्सीन के डोसेज में स्लो धीमापन, ये जानबूझकर किया जा रहा है कई राज्य सरकारों द्वारा। क्योंकि अगर मैं देखूं 7 मई को हमारे पास जो वैक्सीन की दर थी, रेट था वैक्सीनेशन का, वो 25% था पूरे भारत में। यानी कि अगर मेरे पास 100 डोसेस हैं, 100 में से राज्य सरकारें 25 डोज हर रोज लगा रही थी। ये नंबर जो है 8 तारीख को 26% था और 10 तारीख को 27% था, लेकिन 18 तारीख को, 16 तारीख को और 18 तारीख को 3% और 6% है। जबकि उन दिनों टोटल वैक्सीन की खेप जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा थी राज्य सरकारों के पास। राज्य सरकारों के पास 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज होने के बावजूद 16 मई को सिर्फ 6,91,000 वैक्सीन की डोसेज लगाई गई देश भर में। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या जानबूझकर वैक्सीन की किल्लत पैदा करने की कोशिश नहीं हो रही है, और क्या जानबूझकर वैक्सीन की डोसेस को वेस्ट नहीं किया जा रहा? क्यों राज्य सरकारें इस बात पर अड़ी हैं? छत्तीसगढ़ सरकार ने तो खुद का ऐप बना दिया है वैक्सीन सेंटर की, खर्चा सेंटर का, पैसा सेंटर का, और ऐप जो है वो छत्तीसगढ़ का, क्योंकि भूपेश बघेल नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री का चेहरा हो सर्टिफिकेट पर। इस तरह की राजनीति कर रही है राज्य सरकारें। बड़ा अजीब आनंद, बड़ी अजीब से हालात हैं, क्योंकि मतलब कोरोना जैसी महामारी और वैक्सीन जिसके लिए सबसे बड़ा हथियार कहा जा रहा है, उसमें भी आप देखिए कि कांग्रेस बीजेपी की राजनीति सबसे ज़्यादा इसमें सामने आती है। एक तरफ मध्य प्रदेश होता है, जो मध्य प्रदेश कहता है कि हमारे पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश में, हालांकि जो वेस्टेज का आंकड़ा है वो केंद्र सरकार के आंकड़े से मध्य प्रदेश का आंकड़ा जो खुद सरकार कह रही है वो सिर्फ 1.3% आनंद। लेकिन सरकार से जब हम पूछते हैं कि आपके पास वैक्सीन की, जो अवेलेबल वैक्सीन की स्थिति क्या है, तो सरकार कहती है हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन है, हमने इसके अलावा कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के लिए हमारी बातचीत हुई है, हमने ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं, और हमारी ज़रूरत के मुताबिक 18+ के लिए भी हमें पर्याप्त वैक्सीन, हमारी उपलब्धता है अभी एक सेंटर पर। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि भोपाल में 23 सेंटर हैं, एक सेंटर पर 100 वैक्सीन लगती है, और उनका कहना है कि सेंटर पर 80 से 85 लोग चले जाते हैं, वैक्सीन लगवा कर चले जाते हैं। इस तरह एक सेंटर पर 100 वैक्सीन हम लगा रहे हैं, जितनी हमारी ज़रूरत है, जितना हमने अभी टारगेट किया है वो हो रहा है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में सीधे तौर पर, जैसे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, उनका भी अभी ताज़ा बयान आया है कि केंद्र की सरकार में तो दाएं हाथ को नहीं पता कि बाएं हाथ क्या कर रहा है, और सीधा सीधा सरकार जो है, केंद्र सरकार, उनका आरोप है कि वो गलत आंकड़े पेश कर रही है। हमने स्वास्थ्य मंत्री का बयान सुना, और अभी जो लेटेस्ट फिगर छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से जो आरंभ जारी किया गया वो ये है, सुबह बताया गया था कि 47,000 वैक्सीन हमारे पास 18+ की हैं, और अब वो सिर्फ 20,000 बची हैं। यानी ये 20,000 वैक्सीन 18+ के लोगों को लगने के बाद छत्तीसगढ़ की सरकार का कहना है कि उनके पास 18+ की वैक्सीन खत्म।